नमस्कार किसान भाइयों, आज अपने सिक्के समय में जा रहे हैं 3600 सुपर 50 HP का सिक्का है। सबसे पहले बात करें तो ही रूम पर 90 किलो का ही रूम पर कंपनी फिटेड आता है, इससे कि ट्रैक्टर उठने करने की संभावना नहीं आती। फिर बात करें तो फ्रंट एक्सल सपोर्ट 95 किलो का लोहे में ढाल के साथ में मिला के बनाते, इससे कि ना जाएंगे ना फेडरेशन ट्रैक्टर चलता है तो बाउंस रहता है, तो अपने ट्रैक्टर में डायरी में काम आने की संभावना नहीं आई है। बात करें तो अपने ट्रैक्टर में पावर स्टिंग आता है, पावर स्टिंग सब ट्रैक्टर दे रहे हैं, तो अपने ट्रैक्टर में अलग ये है कि पावर स्टिंग का एक दिल निकाल अलग दे रखा है, जो कि पीछे के ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट नहीं है। जब गियर चलते हैं तो एमवी आने की प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने को। तो दूसरी ये बात करें तो इसमें कभी पावर स्टिंग की नली को लीकेज हो गई तो दूसरे ट्रैक्टर में 29 लीटर धुलेगा, इसमें धुलेगा तो मात्र 1-2 लीटर। ये कि पंप की बात करें तो उसमें सादा पंप मिलेगा इनलाइन पर, जिससे कि जैसा ट्रैक्टर चलेगा उस हिसाब से डीजल पिएगा लोड के अकॉर्डिंग। की बात करें फिल्टर की तो स्पिनो वाले फिल्टर दे रखे हैं, जो दोरी पद से डीजल फिल्टर करेंगे, जिससे कि अपने ट्रैक्टर में शुद्ध डीजल जाएगा। पंप की बात करें तो उसमें पावर स्टेम और हाइड्रोलिक पंप सेपरेट दे रखा है, जिससे कि मान लो अपना मेंटेनेंस कम आएगा। मान लो आपको पावर स्टिंग काम आया तो हाइड्रोलिक को खुलवाने की जरूरत नहीं है, जिससे कि अपने मेंटेनेंस कॉस्ट बचे। मतलब इसमें दोनों पंप अलग अलग लगा के सेपरेट दे रखे हैं, ठीक है। दो पावर स्टिंग की बात करें तो सिंगल एक्टिंग पावर स्टिंग के साथ आएगा प्लस मैनुअल ड्राइव। मान लो कभी इसमें काम आ गया तो अपन घर से ट्रैक्टर ला सकते हैं मैनुअल ड्राइव के साथ। और सिंगल पावर स्टिंग का ये फायदा है कि अपना मेंटेनेंस कम आएगा, कम मेंटेनेंस में काम हो जाएगा। बोलो पावर स्टिंग की बात करें तो अपने ट्रैक्टर में पावर स्टिंग के लिए आयल कूलर दे रखा है, जिससे कि अपने आयल को ठंडक मिलेगी, जिससे कि अपनी लाइफ आयल की लाइफ बढ़ जाएगी। इंजन की बात करें तो न्यू हॉलैंड में 2100 फुट की न्यू हॉलैंड की कंपनी का EFO इंजन आएगा, FPT इंजन, जिसको पावर टेक फिलोटेक टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिससे कि अपना ट्रैक्टर कम टेम्परेचर में भी और कम डिग्री सेल्सियस में भी चालू स्टार्ट हो जाए। लास्ट बात करें तो इसमें एंटी ग्लेयर ग्लास दे रखा है कंपनी का, नाइट में रिफ्लेक्ट करनी आती है अपने आँखों पर, सामने वाली जब अपनी चलाते तो गाड़ी पर लाइट पड़ती तो अपनी आँखों में नहीं आएगी, रिफ्लेक्ट होती है। हैवी पेंट लगा के दिया कंपनी, सालों साल क्वालिटी बनी रहती है, अपना कलर फेड नहीं होगा आपका। इससे अपन जब भी रीसेल करेंगे ट्रैक्टर की तो रीसेल वैल्यू बड़ी अच्छी मिलेगी अपने। फिर तेल की बात करें तो फाइबर का फुल टैंक दे रखा है, इसका ये फायदा है कि ट्रैक्टर में अपने जंग लगने की संभावना नहीं आएगी। आप 5 साल 10 साल 20 साल भी ट्रैक्टर यूज करेंगे तो कभी भी जंग लगने की संभावना नहीं। हाँ, मतलब और कंपनियां लोहे का टैंक दे देती है, आपने फाइबर का लगा के दे रखा है, जिससे कि डीजल डीजल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अधिकतर जैसे कि ट्रैक्टर के डीजल टैंक चौक हो जाता है, मान लो 20 साल बाद ट्रैक्टर में फिर जंग लगने की संभावना, वो डीजल जाम होती फिल्टर जाम हो जाती है। हाँ, डीजल फिल्टर चौक नहीं आएगी आपको, फाइबर टैंक मिलता है, फाइबर टैंक में ये दिक्कत नहीं आएगी। फिर एकदम मोटर सेपरेटर दे रखा है, डीजल डीजल में कोई पानी आ जाए तो पानी को अलग सेपरेट करने के लिए मोटर सेपरेटर दे रखा है कंपनी ने। ब्रेक की बात करें तो अपने ट्रैक्टर में आई ब्रेक आएगा, आई ब्रेक तो सब ट्रैक्टर देगी, सब अपने ट्रैक्टर में मल्टी ब्रेक ब्रेक आएगी, जो ब्रेक लाइनर पट्टी 3 हुस्सा है जो 3 हुस्सा है, 6 लाइनर ब्रेक पट्टी के होने का ये कारण है कि अपना ट्रैक्टर पावरफुल हो जाता है, ब्रेकिंग पावरफुल हो जाती है, मेंटेनेंस कम आएगा आपको, मल्टी ब्रेक ब्रेक मिलेंगे आयल में। ब्रेक की बात करें तो साइड से गियर बॉक्स मिलेगा, जिससे तो आपको बदलना करना आसान है, लगाना करना बिल्कुल झुकने करने की समस्या नहीं आएगी आपको। फिर गियर बक्से की बात करें इसमें कॉन्स्टेंट में गियर बॉक्स आता है, अच्छी क्वालिटी कार की क्वालिटी का गियर बक्सा मिलेगा, जिससे कि आपको आवाज़ आने की संभावना नहीं आएगी। कितने फॉरवर्ड और कितने रिवर्स गियर मिलते हैं सर इसमें? फोर फॉरवर्ड 2 रिवर्स, मतलब इसमें टोटली सर 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स मिलते हैं। 2 रिवर्स आएंगे, प्लेनेटरी ड्राइव के साथ आता है ना सर। साइलेंट में आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमेटिक बटन, मान लो दूसरे ट्रैक्टर में आपको एक ही लीवर देते हैं, लाल से रीसेट करते हैं अपन, पीले से अप एंड डाउन करने के लिए, ऊंचे ऊपर उठाने के लिए यूज़ करते हैं। अपने ट्रैक्टर में आपको एक बार रीसेट करनी है कि बटन दे रखा है इलेक्ट्रोमेटिक बटन, जिससे कि एक समान गहरी आपको पूरे खेत में मिलेगी, बार बार आपको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लच की बात करें तो आपको सॉफ्टी क्लच मिलेगा 11 इंच, नॉर्मली ट्रैक्टर में 9 इंच की आती है, अपने ट्रैक्टर में 11 इंच से क्लच की उम्र आएगा, क्योंकि सॉफ्ट कैप जिन में भी ट्रैक्टर चलाओगे तो आपको पता नहीं होगी। इसमें इंडिपेंडेंट PTO लीवर दे रखा है, जिसको बोलते हैं अपन डबल क्लच, PTO ऑपरेशन के लिए डबल क्लच दे रखा है आपको PTO ऑपरेट करने के लिए। बात करें अपने ट्रैक्टर में प्लेनेटरी ड्राइव लाइन आएगी, जिसको बोलते हैं EPI, 3 गियर की शक्ति, जिससे कि ट्रैक्टर में खिंचावदार ताकत ज़्यादा आती है।
50 एचपी का ट्रैक्टर है तो हमारे ट्रैक्टर में 50 एचपी की पीटी की पावर CR46 मिलेगी जो आपको प्लेट में लिखी आएगी, और ये इतनी कौन से भी ट्रैक्टर में 50 एचपी के ट्रैक्टर में नहीं आती है। फिर SFC की बात करें तो 182.4 50 एचपी की श्रेणी में सबसे कम स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन हमारे ट्रैक्टर का है। इसमें फल्टी पलों के बाद भी आपको कंपनी फ्री रेट मिले थे, जैसे कि तेल की दूसरी तरह की समस्या आपको नहीं आएगी। इकोनॉमी कम इंजन की स्पीड कम करके आप 540 चक्कर ले सकते हैं। आपको इसमें मल्टी स्पीड भी मिलेगा, जिस स्पीड से गेयर चल रहे उस स्पीड से पीटीओ घूमेगी। इसमें ग्राउंड स्पीड भी है, जिस स्पीड से आपका ट्रैक्टर चल रहा है उस हिसाब से पीटीओ घूमेगी। तो भविष्य में कुछ भी इंप्लीमेंट आएगी जो पीटीओ से चलेगी तो आपको सारे पीटीओ के ऑप्शन हमारे ट्रैक्टर में मिलेंगे।